नमस्कार दोस्तों, आरबीएम न्यूज इंडिया के शो खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ इंटरनेशनल बॉलीवुड मेकर और आर्टिस्ट जानवी कौर जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जानवी जी। थैंक यू जानवी जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देखा गया कि हर इंसान की जो स्किन है वो अलग होती है और चेहरे की बनावट अलग होती है, तो ऐसे में मेकओवर कराने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेकअप बेसिकली एक आर्ट है जो हम अब जो भी हमारे फीचर्स हैं हम उनको इन्हांस करते हैं। हम चीज़ों को बदल नहीं सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत पतला या मोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ जो हम दिमाग में हमेशा याद रखते हैं वो ये है कि इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान ने सबके चेहरे अलग अलग दिए हैं। किसी का राउंड है चेहरा, किसी का हार्ट शेप का है, किसी का स्क्वायर शेप है, किसी का ओवल है। तो हमारे को बहुत ध्यान, मैं एक स्क्वायर शेप को ओवल नहीं बना सकती, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसको हम कैसे करते हैं, हम उसको थोड़ा सा कंटोरिंग से काट देते हैं। वैसे ही जितने भी नोज़ के फीचर्स हैं, हमारी आईज़ को कैसे ब्यूटीफाई करना है, कैसे लॉन्ग करनी है, कैसे डीप करनी है, इन सब की चीज़ें होती हैं जो हम जिसको कहते हैं कंटोरिंग। आईज़ की कंटोरिंग होती है, नोज़ की कंटोरिंग होती है, चीक्स की कंटोरिंग होती है। हमारा डबल चिन होता है कई बार, तो डबल चिन की कंटोरिंग होती है। कईयों का फोरहेड बहुत माथा बड़ा होता है तो उसकी हम कंटोरिंग करते हैं। तो हमारे को फेस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग विद द मेकअप। सिमिलरली जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमारे को स्किन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर कोई गोरा होगा या हर कोई व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन का होगा, तो कलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो येलो टोन में है, पिंक टोन में है, गोरा है, व्हीटिश है, काला है, सांवला है, कैसा है। तो उसके हिसाब से अगर कोई काला बंदा है उसको हम गोरा एकदम से नहीं बना सकते, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के बाद, एक घंटे के बाद ही वो कलर छोड़ देगा अपना, क्योंकि हमारी स्किन है तो स्किन तो ब्रीथ करेगी करेगी। आप जितना भी थोप लो, जो भी फाउंडेशन वगैरह लगा लो, एकदम से काले को मैं एकदम से गोरा नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ दो या तीन शेड्स लाइट कर सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉलेज जैसे ही होगी वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप हो जाएगा। जानवी जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक और आपसे सवाल था कि जैसे कुछ लोगों के चेहरे पे निशान हो जाते हैं, डॉट पड़ जाते हैं, जैसे चेचक की तरह से हो जाते हैं, या किसी की डबल चिन होती है, तो इन चीज़ों को कैसे निखार सकते हैं? देखो, निशान जो है वो तो हम करेक्टिंग, जिसको कहते हैं कंसीलिंग एंड करेक्टिंग, जिससे हम उसको ढक सकते हैं। हम 100% कवर, कुछ दाग होते हैं जो कि 100% कवर हो जाते हैं, जैसे पिंपल्स के मार्क हो गए वो 100% कवर हो जाते हैं। पर जैसे कई दाग ऐसे होते हैं जैसे बर्न मार्क्स हैं, तो वो 100% नहीं पर 80-90% कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर कंसीलिंग एंड करेक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग विद मेकअप। जानवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे छोटी आंखें होती हैं, छोटी आंखों के आईलाइनर किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और उनका हम बड़ा किस तरह से दिखा सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? देखो, आईज अगर छोटी हैं, लाइनर्स मच सबसे बेस्ट जाता है उनकी आईज़ के लिए, क्योंकि हम उन पर विंग्ड लाइनर नहीं दे सकते। उनको सबसे अच्छा स्मोकी आईज़, ब्लू स्मोकी हो जाए, ब्लैक स्मोकी हो जाए, ग्रीन स्मोकी कर सकते हैं। और जो भी वो लाइनर लगा रहे हैं, स्पेशली वो पेंसिल से लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही वो लाइनर लगा लेते हैं उसको उनको स्मज कर देना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो वो जो छोटी आईज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हांस हो जाती है। जनवी जी, एक हमारे पास सवाल आया था अभी पीछे, तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप कोई अच्छा बॉलीवुड इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आता है आपके पास, तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि जैसे सांवली स्किन होती है तो ऐसी ब्राइडल को किस तरह का मेकअप करना चाहिए? सांवली स्किन बेस्ट स्किन होती है फॉर द मेकअप, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जितना इंसान सांवला होता है उसके फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हांस होते हैं। पर हमारे इंडिया में लोगों को है कि हमें गोरा बना दो। हम जितनी भी ब्राइडल्स को मिलते हैं तो दे वांट कि हमें गोरा चाहिए। ठीक है, गोरा एक अच्छा है, फोटोग्राफ्स अच्छी आती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई सांवला बंदा है,
और अगर मेकअप आर्टिस्ट सही है, उसको सारी नॉलेज अच्छे से है और उसको पता है कि सांवले को कैसे अच्छे से उसके फीचर्स इन्हांस करने हैं, तो बेस्ट मेकअप सांवले स्किन पे होता है बिकॉज उसमें फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हांस होते हैं. तो हमारी जितनी भी ये एक्ट्रेसेस हैं, दीपिका पादुकोण, शी इज़ सांवली, तो उनके ऊपर जो मेकअप है इतना अच्छा लगता है उनके ऊपर, मतलब बहुत ही कम लगता है उसमें मेकअप और फीचर्स उसमें, कंटोरिंग उसमें बहुत अच्छे से होती है. तो मैं तो यही कहूँगी कि सांवले जो लोग हैं वो प्लीज़ ये ट्राई ना करें, कोशिश ना करें ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएं. जितना उनका स्किन कलर है उससे एक या दो शेड लाइटर हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गोरा मुझे नहीं अच्छा लगता. टू बी वेरी पर्सनल मेरा ये चॉइस है. और जितना इंसान सांवला रहता है उसमें फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हांस होते हैं, तो उनकी पिक्चर्स और अच्छी आती हैं. तो ब्राइडल में अगर कोई सांवली लड़की आती है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन की लड़की आती है, तो उस पर बल्कि मेकअप बहुत अच्छा लगेगा अगर वो उसी टोन के अंडर अंडर ही, अपने वार्म टोन के अंडर अंडर ही अगर अपने मेकअप्स कराए तो. जानवी जी, जिस तरह से आजकल मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के आ रहे हैं, तो क्या आप लोग क्लाइंट पे यूज़ करने से पहले उन प्रोडक्ट को जांच परख करती हैं? और क्लाइंट्स को, आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे, कौन सी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो उनको मेकअप में यूज़ करना चाहिए? जैसे बहुत सारे ब्रांड्स कॉस्मेटिक्स के आ चुके हैं मार्केट में, सो आई पर्सनली जब भी मैं बाय करती हूँ, मैं ऑब्वियसली उसकी अच्छे से स्टडी, उसकी रिसर्च अच्छे से करती हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, क्या है, कैसे बेनिफिट करेगा, कितना अच्छा है उसका प्रोडक्ट और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है. एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स हमारे को बहुत सारे रखने पड़ते हैं बिकॉज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि कस्टमर ये पूछता है आपके पास ये वाला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं. जी, बाकी पर्सनली अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो मार्केट में सारे जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, दे आर ऑल आर वेरी गुड, दे आर क्लिनिकली प्रूवन, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई इकोनॉमिक फ्रेंडली होते हैं, कोई मतलब पॉकेट को सूट कर लेते हैं, कोई पॉकेट को नहीं सूट करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉकेट को नहीं सूट कर रहे हैं वही सिर्फ अच्छे हैं. तो मार्केट में जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं आजकल, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगी, दे ऑल आर वेरी गुड. हमारे को नॉलेज होनी चाहिए राइट टेक्निक की, कि मेकअप कैसे लगाना है. जी, राइट टेक्निक होगी. अब पहले ज़माने में कहाँ इतने ब्रांड्स होते थे. आज से अगर मैं 20 ईयर्स डाउन द लाइन, या अपने मम्मियों की शादी के टाइम की अगर बात करूँ, देवर लाइक ब्यूटिफुली डेक्ड अप इन देयर वेडिंग एंड ऑल, मैंने पिक्चर्स देखी हैं, तो उस टाइम पे तो कोई इतने ब्रांड्स होते ही नहीं थे, तो उनका भी मेकअप होता ही था, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता था. तो मुझे ये लगता है कि मेकअप चाहे वैरायटी हो या थोड़ा सा मेकअप हो, राइट टेक्निक नॉलेज बहुत ज़रूरी है मेकअप को अप्लाई करने के लिए. जानवी जी, डेली यूज़ के लिए कौन सा मेकअप होना चाहिए, रूटीन में आप किस तरह का मेकअप कर सकते हैं? चाहे डेली रूटीन में आप बहुत ही लाइट मेकअप, प्रॉब्ली जो आजकल मार्केट में बीबी क्रीम्स आ गई हैं, सीसी क्रीम्स आ गई हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई अ लाइट लाइनर और अ काजल विद अ लिप बाम और अ लिपस्टिक विल डू. आई थिंक डेली के लिए इतना मेकअप काफ़ी रहता है. जैसे एक इंसान अगर बाहर जाए तो इतना मेकअप कर ले तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हो सकता है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर हैवी बेसिस एंड ऑल. डेली के लिए आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, तभी इतनी कंपनीज ने आज बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स निकाली हैं. जी, जानवी जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि जैसे अब शादियों का टाइम है, शादियों का सीज़न है, तो हर लड़की ये चाहती है कि वो अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे, बट उनको चूज़ करने में, मेकअप अपना आर्टिस्ट चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो किस तरीके से वो अपना मेकअप आर्टिस्ट चूज़ कर सकती हैं, कैसा मेकअप करा सकती हैं, और अगर हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वक्त आपका शो, तो वो आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बस आजकल बहुत मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, पहले हमारे टाइम पे इतने मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते थे. अब यस, जिनकी शादियों का टाइम आने वाला है या आ रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि अपना राइट मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करना. उसके लिए आप अच्छे से स्टडी करें, उनके मेकअप्स को देखें, उनके साथ बैठ के मीटिंग करके काउंसलिंग करें कि उनके ऊपर क्या जचेगा, क्या नहीं जचेगा.
आप अपने ड्रेस, अपने कलर्स, अपने डिज़ाइंस, यू कैन डिस्कस एवरीथिंग विथ योर मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो आपको आपके बड़े इवेंट में शी इज़ गोइंग टू मेक यू मोर ग्लैमरस. सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, टू यू नो हैव अ प्रॉपर डिस्कशन फॉर योर पर्टिकुलर डे ऑन यू नो विथ हर. सो बाकी अगर कोई मुझसे मेकअप कराना चाहता है तो श्योरली, बिकॉज आई हैव माई ओन स्टूडियो इन मानसरोवर गार्डन एंड माई नंबर इज फ्लैशिंग हियर एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन विथ माई नंबर ऑल्सो, इट्स 9953600077. यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड विल बी श्योरली इन टच विथ यू देन. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.